जय हिंद एवरीवन, ऑल माय एनटीएससी स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, मैं आप सभी लोगों को एक स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ। जेई एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जैसे हुआ यूं कि कुछ बच्चों से बहुत बड़ी रकम लेकर उनको एक अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने के लिए उनके एग्जामिनेशन हॉल के कंप्यूटर को हैक करके MCQ को बहुत सही तरीके से भरा गया है। हालांकि ये चीज़ें जो भी हुई उनको पकड़ में आ गई हैं, बच्चे पकड़े जा चुके हैं, CBI उस पर जाँच कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये स्कैम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों को टारगेट करते हैं कि यार आप इतने पैसे दे दो, मैं आपको इतनी सीट दिला दूंगा। मैं आप सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि भविष्य में आपको कैसी भी मजबूरी पड़ जाए, कैसी भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, आप कभी भी इन सब सारी चीज़ों हथकंडे को कभी नहीं अपनाएंगे। आप तैयारी करके आगे बढ़िए, आप मेहनत करके आगे बढ़िए, इसीलिए ना आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे क्या किए हैं, वो बच्चे NIT कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ लोगों को, अब आप पैसे आपको नहीं बताओगे, 15-15 लाख रुपए तक इन बच्चों से लिए गए हैं। हालांकि CBSE एक एक बच्चे को पकड़ रही है, हमारी टीम भी इस पर वर्क कर रही है, हमारे रैंकर जी जो मेन लीड टीम होती है जो JEE के फील्ड को देखती है वो इस पर बहुत ही पैनी नज़र बना के रखी हुई है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में जो भी अपडेट है रैंकर जी पर सौरभ सर उसको दे रहे हैं लगातार। बट मैं आप सभी छोटे छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ें अपडेट करना चाहता था कि ये जो बड़ा सा स्कैम हुआ है इससे आपको क्या जानना चाहिए, इससे आपको क्या सीखना चाहिए। आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस तरह चीज़ों से हमेशा अपने आप को दूरी बना के रखें। जो कोई आपको इस तरह के शॉर्टकट्स आपके जीवन में लेके आता है उनसे हमेशा कट बना कर रखें। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। ऐसे लोग जो सम्मिलित होते हैं इनका पूरा का पूरा करियर भी बर्बाद किया जा सकता है, आपकी पूरी लाइफ जो है वो आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको कहीं एग्जाम में बैठने नहीं जाएगा, इस तरह की चीज़ों से क्या फ़ायदा। तो ये बस आपको एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहता था कि JEE में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। हालांकि आप बहुत समय पहले बहुत सारे एग्जामिनेशन में स्कैम सुनते आ रहे होंगे, लेकिन ये कई हद तक चीज़ें सुधर रही थी, लेकिन अभी भी कई कई जगह पर ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसा कदम उठाने से पहले कोई एक बात जरूर सोचे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि अगर कोई बच्चा या फिर कोई एक कम्युनिटी या फिर कोई टीम जो इस तरह का काम करती है उन पर CBI या फिर पुलिस की कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और आपको कैसी एक सीख मिली है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।